हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिकल की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे बीएचयू बीएफए की। एंड आज का जो वीडियो है ये है अगेन एक और यूनिवर्सिटी के अपडेट पे, जिसका इंतजार आप लोग काफी 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 टाइम से कर रहे थे। अगर बात करूँ तो मैं, फाइनली कॉलेज ऑफ आर्ट को लेके अपडेट आ गया है, जो कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हो चुका है। तो फाइनली कॉलेज ऑफ आर्ट का जो एग्जाम डेट है वो जारी कर दिया गया है। जी हाँ, एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। कब है आपका एग्जाम, कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन होल्ड ऑन, उससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और आपको पता है कि मेरे चैनल पे तुरंत तुरंत सारे अपडेट्स मिलते हैं, तो फिर देर क्यों कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, इंस्टा पे मुझे फॉलो भी कर लीजिए। इंस्टा की आईडी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड है, स्क्रीन पे शो करिए macy_papers के नाम से। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट आज के डेट में ही आया है, और एग्जाम कब होने वाले हैं, किस कोर्स के होने वाले हैं ये भी मैं बता दूं। बैचलर इन फाइन आर्ट कोर्स, जो भी स्टूडेंट बीएफए कोर्स से रिलेटेड है और जो एलिजिबल है कॉलेज ऑफ आर्ट का एग्जाम देने के लिए, उन सभी का एग्जाम डेट आ चुका है। 22 अक्टूबर 2022 को एग्जाम होने वाला है आप लोगों का, और जो एग्जाम है वो जनरल नॉलेज टेस्ट का एग्जाम होने वाला है, यानी थ्योरी टेस्ट होने वाला है। बता दूं कि बीएफए कोर्स में दो टेस्ट होते हैं, पहला होता है थ्योरी, दूसरा होता है प्रैक्टिकल। तो अभी थ्योरी टेस्ट का एग्जाम रिलीज किया गया है, जो कि 22 अक्टूबर को होने वाला है। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि थ्योरी के अंतर्गत किस किस तरह के टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो टॉपिक्स भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन उसके लिए मैं अभी आप लोग के साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड, सिंपली आपको क्रोम पे जाना है और सर्च करना है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, और स्क्रॉल करना है, और जो पहला वेबसाइट दिख रहा है इस पर आपको अगेन सर्च कर लेना है। ये आपका ऑफिशियली वेबसाइट है। इसके बाद आपको क्लिक करना है इस एडमिशन पे, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेती हूँ। क्लिक करने के बाद वापस से आपको स्क्रॉल करना है, और आपको क्लिक करना है कॉलेज ऑफ आर्ट पे। यहाँ पे मैंने अगेन क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वापस से आपको स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है ये वाला, इसको आप रीड कीजिए। लिखा हुआ है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द बीएफए एलिजिबल कैंडिडेट डेट द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ जनरल नॉलेज टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 22 अक्टूबर 2022 सैटरडे 8:10 PM इन द डिफरेंट कोर्सेज ऑफ भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। कह रहा है कि जितने भी बीएफए के एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनका जनरल नॉलेज टेस्ट जो है वो 22 अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद जो लिखा हुआ वो आप पढ़िए एक बार, कि डिसिप्लिन एग्जाम ऑफ ऑल 6 कोर्सेज एंड डिप्लोमा विल बी हेल्ड इन कॉलेज ऑफ आर्ट फ्रॉम 29 to 31 अक्टूबर। तो कह रहा है कि जो 6 डिसिप्लिन एग्जाम है और डिप्लोमा है, इसके एग्जाम जो 29 to 31 अक्टूबर के बीच होने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दूँ कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि डिसिप्लिन एग्जाम ऑफ 6 कोर्सेज है क्या, तो फिलहाल इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, इसके बारे में सर्च करने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगी कि ये किसके बारे में बोला जा रहा है। फिलहाल आप लोग ये ध्यान रखिए कि जो आप लोग का थ्योरी का एग्जाम है वो 22 अक्टूबर को होने वाला है। और यहाँ पे लास्ट में पढ़िए, लिखा हुआ है, द एडमिट कार्ड विल बी अपलोडेड शॉर्टली। जल्दी ही एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, तो थोड़ा वेट कीजिए एडमिट कार्ड के लिए। एंड बात करते हैं कि जनरल नॉलेज जो ये टेस्ट होने वाला है आप लोगों का 22 अक्टूबर को, इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़नी है। तो एक पीडीएफ है जो स्टार्टिंग में ही आप लोगों को प्रोवाइड की गई थी ऑफिशियली वेबसाइट से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए, बीएफए प्रोस्पेक्टस 2022-2023, ये पूरा प्रोस्पेक्टस है। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये पीडीएफ है कॉलेज ऑफ आर्ट का, यहाँ पे लिखा हो भी नीचे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट प्रोस्पेक्टस है, इसे अच्छे से पूरा फिर से रीड कर लीजिएगा। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई कि एडमिशन कैसे होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, फाउंडेशन कोर्स कितने साल का होगा, स्पेशलाइजेशन कोर्स कितने साल का होगा, कौन कौन सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन कोर्स के अंतर्गत आती है। तो आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंसन है। लेकिन जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है, जिससे मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको पढ़ने में अच्छे से आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होने वाले उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, और आपको सेकेंड नंबर पे रीड करना है जनरल टेस्ट और ऑल द स्पेशलाइजेशन, जितने भी स्पेशलाइजेशन कोर्स है उन सभी के लिए है। लिखा हुआ है कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रिलेटेड टू आर्ट इंक्लूडिंग मेथड एंड मटेरियल, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और आगे लिखा हुआ है, पर्सनैलिटीज एंड करंट अफेयर रिटन पेपर इन हिंदी और इंग्लिश। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि 30 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसके लिए आपको आधा घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। बता दूं कि 30 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जो 30 मार्क्स के होंगे और आधे घंटे का समय मिलेगा, और पर क्वेश्चन की जो माइनस मार्किंग होगी वो 0.25 होगी। तो फ्रेंड्स, 22 अक्टूबर को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। मैं अभी से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ। आप लोग अभी से अपनी और भी प्रिपरेशन अच्छी कर लीजिए थ्योरी के लिए, और साथ ही
कि जो 6 कोर्सेस लिखा हुआ है, मतलब डिसिप्लिन एग्जाम 4-6 कोर्सेस लिखा हुआ है, सच को तो अभी मुझे इसके बारे में पूरी तरह आइडिया नहीं है क्योंकि 6 कोर्सेस का नाम भी मेंशन नहीं है, पर मैं बाद में इसके बारे में अच्छे से सर्च करूंगी और जैसे ही मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी मैं वीडियोज बना के आप तक अपडेट कर दूंगी। तो इस वीडियो में इतनी, आई होप वीडियो पसंद आई हो आपको, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दे। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।